तो आज के मुख्य समाचार। सूत्रों की माने तो सीहोर शहर में पिछले कई दिनों से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप 15 अगस्त के दिन अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, जिस कारण से स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। स्लीपर सेल्स कोई भी हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, किरायेदार, आपका कलीग, बस में बैठा आपके बाजू में वो व्यक्ति, कोई भी। पुलिस और प्रशासन का इस बात पर अभी तक के कोई बयान नहीं आया है। भाईजान, कौन से इलाके में डिलीवरी है? डोला बादशाह। ये उसी इलाके का पार्सल है, इसे भी डिलीवरी कर देना। पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। हेलो सर, अम्मा जान कुरियर से बोल रहा हूँ, आपका पार्सल है, ब्रिज पे खड़ा हूँ। क्या सर, एड्रेस भी सही नहीं डालते, पूरा शहर घूम के मैं आपके पास आ गया। जूते लियो सर, लगता है। तुम्हारा टायर तो नित्य नाबूद हो गया, कंपनी में लेकर चलता हूँ मैं अपने सामने पंचर। मेरी बात सुनो, वो सामने पंचर की दुकान है, पंचर जोड़कर तुम्हारी गाड़ी टनाटन हो तुम रवाना। ठीक है, चलो चलो मैं लेकर चल लिया हूँ। पीछे पीछे तो आओ। अरे कादिर भाई, फटाफट पंचर लगा दो इसका। आया ये भाई की गाड़ी वहाँ पंचर हो गई थी, इसका फटाफट अपनों को पंचर लगाना और भाई को रवाना करना। आओ, हाँ जब तक तुम्हारे को पानी वानी पिल देता हूँ, आओ। अरे भैया, इसका हॉर्न भी देख लेना। मिया, हॉर्न तो नया डालना पड़ेगा इसमें, कर देंगे, ठीक कर देंगे हॉर्न भी तुम्हारा। बढ़िया, टनाटन। अरे हाँ, टनाटन। और पंचर दोबारा हो तो ये दुकान ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ठीक है। कब तक हो जाएगी गाड़ी यार? दो घंटे में हो जाएगी गाड़ी आपकी, दो घंटे बाद। दो घंटे बाद मेरे को निकलना है बाहर के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये पैसे अभी अली वो पंचर बनाए ना, उसके पैसे। और खाना खाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। लो भाईजान, माता रानी का प्रसाद। काम पेंडिंग है यार, बहुत तरह काम पेंडिंग है। ये क्या बनाते रहता है तू? पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया। खामिया, एक तरफा कला कहते हैं उससे, सत्यानाश कुछ भी नहीं हुआ।
हाँ तुम्हारा सामान आ गया फिर से अम्मा जान से। डिलीवरी वाला कौन नितक है यार, और कौन होगा इसके अलावा अपने घर पे आते है कौन है? छोटी मोटी पार्टी समझ रहा हूँ खूब लोटे मंगाया क्या वैसे? अरे मिया गए वक्त चड्डी लिए थे, छिला गया पूरा। अच्छी चड्डी मंगाए, क्या बात है, उड़ाओ मजाक उड़ाओ तुम। क्या बात है, एक नंबर चड्डी मंगाई है हमने। इसको पेमेंट के रास्ते आके ले जाना। अरे कोई दिक्कत नहीं साहब। जरा आवाज कम करिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कमबख्तू तुम्हारा मोबाइल कहाँ बंद है? क्या तुम्हें ऐसी हिदायत मिली है कि इतने जरूरी दिन पे तुम ऐसी गुस्ताखी करो? अरे ये कादिर खान बड़े भाई का पागल यार। अरे कादिर भाई आपका ही नाम है देखो उस पे। हाँ मियां नाम तो हमारा ही लिखा है, इसका पैसा वैसा फिर? आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है, आप तो ले जाओ बाद में देखेंगे अपन। रख लेते हैं फिर, हमारा हो गया है। बढ़िया फ्री का मोबाइल लिया, चड्डी के साथ गिफ्ट आया। बताऊंगे तेरे को, ज्यादा बड़ा बन रही है क्या? तुम्हारा पार्सल कहीं और जगह डिलीवर हो चुका है, डिटेल्स चेक करो। जनाब एक गलती हो गई जनाब, कबीर खान की जगह कदीर खान हो गया जनाब, इस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जनाब। हाय मियां, ये डब्बे भी एड्रेस अलग लिखा, वो डब्बे भी एड्रेस अलग लिखा, अन्ना क्या चाह रहा तुम? इस पर खाली तुमने लिख के रखा दूल्हा वाशिया, उस पर तुमने पूरा पता लिख के रखा, क्या बात है?
समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ खोल के देख लेते। देखो दे। ये क्या तुमने रमबाज मांगा लिया? हाँ मिया, ये तो बम लग रही है। ये कैसे बम? फिल्मी दुनिया में तो ऐसा ही बम बताते हैं। इसका और भी समझ आया। देख पूरा चालू है मोबाइल तो, और फोन भी तो आ रही है इसमें। तुम्हारे कोई चाहने वाले होंगे, लो बात करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम कदीर खान है, और अगर तुम मुझसे भी बात कर रहे हो इसका मतलब तुम उस पार्सल को खोल चुके हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अब बस दो ही रास्ते हैं। 10 मिनट में मेरे लोग तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। या तो उस पार्सल को वापस कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ, या अपनी जान से हाथ धो बैठो। आज की सबसे बड़ी खबर से आतंकवादी हमले को लेकर है। ये सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे दुखद खबर। उन लोगों ने सिग्नल फोन ऑन कर लिया है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पहुंचो और पार्सल लेके दोनों को खत्म कर दो। वहाँ नहीं जनाब, इधर। कमबख्तू जल्दी करो। सरप्राइज सरप्राइज, मेरा फोन काट कर तुमने साबित कर दिया कि तुम हिंदुस्तानी मुसलमान। जन्नत तो तुम्हें नसीब नहीं होगी, जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। कदीर खान का घर कहाँ है? वो ये गाड़ी भी उन्हीं की है। खुश आमदीद।
किससे अलविदा कह रहे हो? अरे वही थे 800 वाले। रोड पे अपना ही माइंड बिछे था, उससे मीटर हो गया। हाँ भाईजान। हाँ बोलो। हम दोनों अभी कुछ दिन के रात नहीं आ पाएंगे। यार तुम्हारा हमेशा का यही नाटक होता है यार, हर कभी छुट्टी मांगते रहते हो। समझिए भाईजान, रखता हूँ। तू भी यार कहाँ कहाँ माइंड बिछाते रहता है, तेरे मारे भी परेशान है आदमी। हम ये बम को लेकर पुलिस वाले के पास चलते ना यार। नहीं जा सकते, शहर का माहौल खराब है। मुसलमान आदमी अगर बम लेकर जाएगा तो हम पर ही शक किया जाएगा। तू तो गार्डन लेके चल। ओ कादिर भाई, अरे बेटा बेटा कर लू यार, क्या बात है? ये पान गड़ा
पर एक ये था ना माँ, ये उठाना अनिवार्य है, गाड़ी फूटी तो फूटी। चिप लगा तो भूल ही गया, अभी एक मिनट में कंप्लीट कर देता। मैं सोच रहा था उनका सामान उनको वापस कर दे क्या, छुटकारा मिल जाएगा यार। चुकी है, आपके लिए एक तोहफा भेज रहा हूं।